नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोद्र हे आर्य राष्ट्र के मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं हमारे छोटे बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं, क्यों ये जिद्दी बन जाते हैं। आयुर्वेद कहता है संतान निर्माण में आहार और विहार, आहार और विचार, इन दोनों का बड़ा प्रभाव होता है और इन्हीं से शरीर बनता है। आहार और विचार यानी व्यवहार से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। तो अब हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं। अक्सर महिलाओं के गर्भ में जब बच्चा होता है, अगर वे कुंठित रहती हैं, गुस्से में रहती हैं या पति पत्नी के साथ अनबन रहती हैं या परिवार वालों के साथ अनबन रहती हैं या हमेशा गुस्से में रहती है, यानी सुख शांति से औरत का न रहना, जो भावी संतान को वो जन्म दे रही है, वह जन्म, वह बच्चा, वह संतान जिद्दी बन जाती है। यानी जब माता के गर्भ में बच्चा हो, क्योंकि वो उसका अपना भविष्य है, माता अपनी संतान में ही सब कुछ प्राप्त करना चाहती है और अपनी संतान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो माता का कर्तव्य है चाहे कैसे भी हालात हों, चाहे कैसी भी स्थितियां हों, उसे अपने बच्चे के निर्माण के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर माता के गर्भ में बच्चा है और वह माता खुश रहती है तो बच्चा भी खुशहाल और स्वस्थ होगा, आज्ञाकारी होगा। और माता का बच्चा अगर आज्ञाकारी हो, स्वस्थ हो, तो उस माता के आनंद की कमी नहीं होती। यानी यह सुख माता को स्वयं प्राप्त करना होता है त्याग करके। और दूसरा है आहार। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसको रक्तवर्धक औषधियाँ दी जाती हैं, जो खून को बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे वो दवाई बनाई जाती है। जिंदा पशुओं को उल्टा लटका करके उनकी नस काट दी जाती है जिससे खून बाहर निकलता है, और तब तक उस पर गर्म पानी और कोड़े बरसाए जाते हैं जब तक वो चीखता चिल्लाता पशु मर न जाए। चीखते चिल्लाते पशु के शरीर से निकला हुआ खून और उस खून में से निकाला हुआ HB, और वो HB जब आपको दवाइयों के माध्यम से दिया जाता है तो उससे आपका बच्चा भी चीखने वाला, चिल्लाने वाला, क्रोधित, जिद्दी और सहनशील नहीं होगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही बनता है। तो हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाने के लिए, माता को गर्भ में जब बच्चा हो तो खून को बढ़ाने वाली दवाइयां न लेकर के लोहे की कढ़ाई में दाल अच्छे पानी की बनानी चाहिए, तरीदार बना कर खानी चाहिए। और ज़्यादा खून की कमी है तो चने उबाल करके लोहे की कढ़ाई में उसका पानी पी जावे। बथुआ, पालक, आयुर्वेदिक बहुत सी ऐसी आयरन से परिपूर्ण चीज़ें हैं, गाजर, उनका प्रयोग कीजिए। और जो गर्भ में बच्चा हो और जो महिला उस समय जो भोजन करती है, भोजन के साथ अगर सलाद का प्रयोग करें
तो उसे कभी बच्चा जिद्दी नहीं बनता, उसमें कभी खून की कमी नहीं होती, उसके बच्चे को कभी चश्मा नहीं चढ़ता। सलाद में फाइबर होते हैं और फाइबर आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ाता है। तो यह आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ा करके आपके शरीर में शांति प्रदान करता है। आगे मैं बताऊंगा कि बच्चों को चश्मे क्यों चढ़ जाते हैं, हमारे बच्चे डिप्रेशन में क्यों आते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।